वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर मैक्सिकन लीग का मैच हो रहा है टीआईजे वर्सेस क्रूज एजल के बीच। दोनों टीम्स बेटर है लेकिन टीआईजे टीम इस सीजन अच्छा कर सकती है, लेकिन लास्ट सीजन क्रूज एजल ने बहुत ही अच्छा खेला था, तो मेरा फेवर तो देखिए क्रूज एजल को रहेगा, लिटल बिट ज़्यादा रहेगा। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो टीआईजे एंड क्रूज एजल में जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं फेवर करूंगा गाइस डबल साइड को, सीआरयू को। तो सीआरयू के मेरी टीम में हो सकता है 5-6 प्लेयर लूं, बाकी टीआईजे टीम यहां पर आज अच्छा ये भी खेलेगी, मतलब दोनों तरफ से गोल आने की संभावना है इस मैच में। बाकी क्रूज एजल ने लास्ट 3 मैचेस में एक भी गोल नहीं किया, तो पता चलेगा कि आज खाता खुलता है कि नहीं। बहुत टीआईजे टीम बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, सी गोंजालेस टीआईजे टीम का एक ग्रेट प्लेयर जो पेनल्टी टेकर भी है, साथ ही साथ स्ट्राइकर भी है। सो ऐसा कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया ही रहता है, पेनल्टी टेकर के साथ साथ ऐसा स्ट्राइकर मिल जाए जो गोल करता हो, ऐसी तो चीज़ ही नहीं है भाई, मतलब ये तो काम की चीज़ है। एंड आगे से बात करें यहाँ पर इनका एक प्लेयर है डाइवर कैम्बिंडो, इस बंदे ने 2021 में जो सीरीज रही थी इसकी, थोड़े बहुत 2-3 मैच उनमें इस बंदों ने किए थे मैक्सिमम गोल, और 2020 का एक रिकॉर्ड है इसका बहुत पुराना। उस मैच उस साल ये एक सीरीज के अंदर जो फ्रेंडली लीग का एक सीरीज का मैच था, इसके अंदर इस बंदे ने 2020 के अंदर 3 मैचेस में 8 गोल किए थे, मतलब इसका रिकॉर्ड कमाल है। और आगे से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं लूँगा वन अनदर प्लेयर जो हो सकता है लॉटी, लेकिन खेलेगा तो लूँगा, बिना खेले तो देखो किसी को ना लेने वाला। और टीआईजे के भी जो प्लेयर आप देख रहे हो, अब ये नहीं खेल रहा, क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ इंटरनेशनल खेलने, बी रोमेरो का भी पता नहीं है। उसके बाद ये जो एक प्लेयर है टीआईजे का जिसका नाम है एलेक्सिस, ये भी इतना बेटर नहीं है। सो मैं कहूँगा एम वीरा या ए लॉटी में से एक ले लो, बाकी ए लॉटी तो इतना बेटर नहीं है जितना कि एम वीरा है, तो मैं वीरा के साथ अभी जाने की सोच रहा हूँ। तो बात करें मिडफील्डिंग की, यहाँ पे लेंगे सी रिवेरा को, सी रिवेरा एंड एल एरियल रॉड्रिगो को यहाँ पर ले रहा हूँ, एफ मैड्रिगल को आज नहीं ले रहा। आपने लेना है ले लो, लेकिन मेरे को इसमें कुछ खास नहीं। और यू एंटना खेल नहीं रहा, मैक्सिको की तरफ से खेलने गया हुआ है, हुस्केस नहीं खेल रहा। सी टैबो को लेना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं रटोंडी के साथ जाऊँगा, सी टैबो से मच बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी, और कोई इतना प्लेयर खास है नहीं। यहाँ पे बात करें डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग के अंदर लूँगा डी बारबोसा को। देखिए डी बारबोसा एक ना एक डिफेंडर लेना उनका जरूरी है, सो इसको मैंने चुना है। अगले जो मेरे रहेंगे, सबसे पहला जो मेरा रहेगा क्रूज एजल का, वो है कार्लोस, के बाद आएगा ई रिवेरो, ठीक है, आई रिवेरो के बाद गाइस जो हमारा अगला प्लेयर और भी हो सकते हैं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं जे डियास के साथ जाऊँ, क्योंकि इस बंदे ने लास्ट मैच के अंदर थोड़े मिनट ही आया था, 45 मिनट, तो हो सकता है आज प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो बदल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात करें गोल कीपिंग की, यहाँ पर लूँगा जे जीसस को ही यहाँ पर लेना बनता है, और कोई मैं कहूँगा बेटर ऑप्शन है भी नहीं इससे। एंड बात करें कैप्टन की, जो मेरा कैप्टन है वो है गाइस डी कैम्बिंडो, एंड वाइस कैप्टन एम वीरा को रखना तो चाहता हूँ, लेकिन तब तक के लिए सी गोंजालेस को सेव कर रहा हूँ जब तक कन्फर्मेशन नहीं आ जाती कि क्या हो सकता है इस मैच में, क्योंकि इस मैच में अनप्रेडिक्ट करना बेकार है, इधर तो प्रेडिक्शन करने के बाद भी हारने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था रिस्क ले लूँगा वीरा के साथ, बट इतनी हिम्मत हो नहीं रही, तो मैं देखता हूँ अगर बैकअप टीम में लिया तो लिया, बाकी मेन टीम में तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।